मक्का से भरे ट्रक में लगी आग, आधा किलोमीटर तक उसी अवस्था में दौड़ता रहा। नमस्कार, मैं हूं रिया पिपलीवाल और आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज चैनल MP7 न्यूज। आप MP7 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें व बेल आइकॉन को प्रेस जरूर करें। देखिए बैतूल की विशेष बड़ी खबर। जी हां, मुलताई से नागपुर जाने वाले 4 लेन पर शनिवार सुबह 7 बजे मक्का से भरे ट्रक में अचानक आग लग गई। ट्रक ड्राइवर को इसका पता नहीं चला और वह करीब आधा किलोमीटर तक उसी अवस्था में ट्रक को दौड़ाता रहा। जलता हुआ ट्रक सड़क पर दौड़ता देख राहगीरों ने तत्काल मुलताई नगर परिषद के दमकल फायर ब्रिगेड को सूचना दी। ट्रक के चालक ने जलते हुए ट्रक को हाईवे से बाईपास मार्ग पर उतार दिया। इसके बाद फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया। बताया गया है कि ट्रक में करीब 250 क्विंटल मक्का भरा हुआ था, जिसे अमरावती ले जाया जा रहा था। आग लगने से करीब आधा मक्का जल गया है। फायर ब्रिगेड कर्मचारी मनोज सिंह, दीपक अहिरवार, भूपेंद्र राठौर ने बताया कि सूचना मिलते ही बाईपास मार्ग पर पहुंचे और आग बुझाई गई। आग किन परिस्थितियों में लगी इसका अभी पता नहीं चल पाया है। आग से ट्रक के आधे हिस्से में भरा मक्का जलकर खाक हो गया। मुलताई से अक्षय सोनी ने बताया कि सुबह घूमने वालों ने जब ट्रक के पिछले हिस्से को जलता देखा तो तुरंत भागकर ट्रक के चालक को इसकी जानकारी दी। फायर ब्रिगेड को भी खबर की गई। ट्रक चालक ने हाईवे से बाईपास पर ट्रक को उतार लिया, जिससे मुलताई नगर परिषद की फायर ब्रिगेड जल्दी मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू पाया गया। अभी यह जानकारी नहीं मिल पाई है कि कितनी मात्रा में मक्का जल गया है और इसका मालिक कौन है। हर प्रकार की लेटेस्ट न्यूज की जानकारी के लिए देखते रहिए हमारे साथ YouTube न्यूज चैनल MP7 न्यूज।